नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में 50,000 रुपये डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको 3,300 रुपये का पेंशन मिल जाएगा। अब इसकी इस न्यूज़ की क्या सच्चाई है, जैसे कि ये न्यूज़ बहुत ही वायरल हो रहा है, बड़े बड़े न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर इस न्यूज़ को वायरल किया जा रहा है और ये वायरल हो रहा है। अगर बात कीजिए गूगल पे आप सर्च करते हैं तो जी न्यूज़ पे भी ये न्यूज़ दिखाई दिया जा रहा है कि आर्टिकल है, india.com है, यानी कि जितने भी अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो ये आ रहा है कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में 50,000 डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको 3,300 रुपये का पेंशन मिलेगा गारंटीड। अभी क्या है, क्या ये फेक है, क्या ये सच है, तो इसकी क्या सच्चाई है, इस वीडियो में हम पूरी इसके बारे में ही जानने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी नॉलेजेबल है। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो आप एंड तक जरूर देखें जिससे कि आप कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना करें। तो दोस्तों, क्या वाकई में पोस्ट ऑफिस में कोई नई स्कीम योजना आई है? इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि तो पोस्ट ऑफिस में आपको मंथली इनकम स्कीम, सीनियर सिटीजन स्कीम और अटल पेंशन योजना देखने को मिल जाती है। तो ये कौन सी ऐसी योजना है जिसमें आपको 50,000 डिपॉजिट करवाना है और आपको 3,300 रुपया पेंशन मिल रहा है? अगर बात करें हम मंथली इनकम स्कीम की, तो यहाँ पे अगर आप 50,000 डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको 6.6% की रेट के दर से आपको 275 रुपया मंथली इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। और वहीं पे अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की, तो अगर आप 50,000 डिपॉजिट करवाते हैं तो यहाँ पे आपको 7.4% की दर से आपको 925 रुपया क्वार्टरली देखने को मिल जाता है, यानी कि आपको हर 3 महीने में इसका इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। तो ये कौन सी ऐसी योजना है जिसमें आपको 50,000 डिपॉजिट करवाना है और 3,300 रुपया पेंशन मिल रहा है? चलिए अब हम बात करते हैं अटल पेंशन योजना की। तो अटल पेंशन योजना में 18 से 40 वर्ष का आयु अकाउंट ओपन करवा के, मंथली कंट्रीब्यूशन करवा के, यानी मंथली पैसा डिपॉजिट करवा के, मंथली जो पेंशन भाई चाहिए उसे 1,000 का, 2,000 का, 3,000 का, 5,000 का वह ले सकता है। अब ये तो इसमें पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि इसमें बता रहा है कि 50,000 आपको डिपॉजिट करवाना है और आपको 3,300 रुपया पेंशन मिलेगा। तो ये कौन सी ऐसी स्कीम है, ये स्कीम है भी कि नहीं है? तो क्या है इस स्कीम की सच्चाई, क्या यह कोई फेक न्यूज़ है, कोई फेक वीडियो है? जी नहीं दोस्तों, एक्चुअली में ये एक MIS स्कीम है जिसको अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन नहीं किया गया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये बता दिया गया है कि अगर आप 50,000 रुपये डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको 3,300 रुपया पेंशन मिलेगा, लेकिन वो 3,300 रुपया पेंशन आपको मंथली मिलेगा, क्वार्टरली मिलेगा, हाफ ईयरली मिलेगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया है, इसलिए यह न्यूज़ फेक लग रही है। दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप MIS स्कीम में, यानी कि मंथली इनकम स्कीम में 50,000 रुपये डिपॉजिट करवाते हैं और अगर आप 5 सालों के लिए इसे डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको हर महीने 275 रुपया इंटरेस्ट देखने को मिलता है, जिसको हम इंटू करेंगे 12 महीने से तो ये होगा 3,300 रुपया, यानी कि 1 साल का 3,300 रुपया। यानी कि अगर आप 50,000 रुपये डिपॉजिट करवाते हैं पोस्ट ऑफिस में और उसमें आपका MIS स्कीम है और उसमें आपको 6.6% की रेट दर से आपको इंटरेस्ट मिलता है मंथली 275 रुपया, तो हर महीने के इंटरेस्ट को अगर आप इंटू करते हैं, गुणा करते हैं 12 महीने से, तो आपका होता है 3,300 रुपये, यानी कि आपको पेंशन जो मिलेगा वो साल का मिलेगा 3,300 रुपया। तो दोस्तों बस यही था इस वायरल न्यूज़ का सच और इस वायरल वीडियो का सच, यानी कि ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, ये एक तरह का MIS स्कीम है जिसको कि अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन नहीं किया गया, जिसकी वजह से यह लोगों को फेक लग रही है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि भ्रमित किया जा रहा है, लेकिन यह एक तरह का MIS स्कीम है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपके सारे डाउट दूर हो गए होंगे। तो वीडियो को जरूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर रोज़ाना पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिल जाती हैं। और अगर आप पोस्ट ऑफिस ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम के बारे में और जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर विजिट करके हमारे और भी वीडियोस देख सकते हैं और स्क्रीन पर दिखाए गए ये दोनों वीडियो देख ही सकते हैं।